इंसानों का सबसे अच्छा और सबसे लॉयल दोस्त डॉग्स, इनके बारे में आखिर क्या कहना। वेल, ये ऐसे जानवर है जिससे बहुत लोग डरते भी हैं और बहुत लोग अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अब आप हेट कीजिए या लव, बट यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट सम डॉग्स आर सिंपली अडोरेबल। Sometimes I believe dogs इंसानों से अच्छे एक्टर भी हैं। I mean, आप खुद सोच के देखिए और एक मूवी बताइए जिसमें किसी डॉग का परफॉर्मेंस खराब लगा। मूवी खराब हो सकती है लेकिन इनका परफॉर्मेंस नहीं। इसलिए आज 10 ऐसी हॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करेंगे जिसकी स्टोरी के सेंटर लाइन में डॉग्स हैं, या फिर ऐसी स्टोरी जिसमें डॉग्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस लिस्ट की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नंबर 10 पे 2019 की द आर्ट ऑफ रेसिंग इन द रेन। ये अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा मूवी एंजो द डॉग के नजरिए से दिखाया गया है, जहां उसका ओनर माइलो एक फॉर्मूला 1 रेसर है। Call it fate, call it luck. All I knew was I was meant to be his dog. Kevin Costner की आवाज में Enzo the Dog एक जबरदस्त फिलोसोफर भी है जो आपको लाइफ का मतलब सिखा देता है। नंबर 9 पे 2007 की साइफाई हॉरर मूवी विल स्मिथ स्टारर आई एम लेजेंड। देखिए, आपको मेरा ये चॉइस वियर्ड लग सकता है लेकिन जर्मन शेपर्ड सैम का बहुत बड़ा रोल था आई एम लेजेंड में। विल स्मिथ जो बेसिकली अर्थ का आखिरी इंसान है, उसका सिर्फ एक ही कंपेनियन था और वो था सैम। सैम एंड विल स्मिथ का रिलेशनशिप पोस्ट अपोकलिप्टिक सिनेरियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही टेंशन भरा था, और सैम आपकी आंखों में आंसू ना लाया हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मानूंगा ही नहीं। नंबर 8 पे है 1994 की फैमिली ड्रामा मूवी लैसी। गाइज, एक ओल्ड फैशन मूवी है जो आप पर धीरे धीरे असर करेगा। ये लैसी एंड टीनेजर मैट की कहानी है, जहां लैसी एक तरह से मैट का प्रोटेक्टर बन जाता है। लैसी मैट को वुल्फ से बचाता है, बैड वेदर से बचाता है, और यहां तक कि कुछ बुलीज से भी बचाता है। लाइक आई सेड, ये मूवी ओल्ड स्कूल है लेकिन आप लैसी के फैंस जरूर बन जाएंगे। नंबर 7 पे है 2019 की टोगो। एक डेडली आउटब्रेक और लोगों तक सेरम पहुंचाने का आखिरी होप कुछ स्लेड डॉग्स के ऊपर है, जिसको लीड करता है टोगो। अराउंड 950 किलोमीटर का जर्नी अलास्कन माउंटेन्स में तूफानों के बीच कवर करना, वो भी इंसानों का जान बचाने के लिए, टोगो द डॉग ने वो कर दिखाया जिसके बारे में इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। ये ट्रू स्टोरी एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवेंचर है जिसको देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसको देख के आपको एहसास होगा कि डॉग्स इंसानों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वेटरन एक्टर विलियम डेफो का जबरदस्त परफॉर्मेंस, मूवी का जबरदस्त स्क्रिप्ट और इसका सिनेमेटोग्राफी इसको एक मस्ट वॉच बनाता है। नंबर 6 पे है 1974 की बेंजी। गाइस, 1974 के बाद 2018 में इसको फिर से रिबूट किया गया, जिसको आप नेटफ्लिक्स पे अभी देख सकते हैं। अगर आप डॉग लवर हो या ना हो, लेकिन इस मूवी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। You named him? ये मूवी भी आपको मोस्टली बेंजी की आंखों से दिखाया जाएगा, जो आपके और बेंजी के बीच एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर देता है। बेंजी बेसिकली एक स्ट्रे डॉग है जिसको किसी भी ओनर की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई उसका ख्याल रखता है। लेकिन एक दिन जब दो बच्चे जिसे बेंजी बहुत ही प्यार करता है उसको किडनैप कर लिया जाता है, तो बेंजी मैटर अपने हाथ में ले लेता है उन बच्चों को बचाने के लिए। ये एक क्लासिक मूवी है जहां मूवी का एक्स फैक्टर इसका सिंप्लिसिटी है। नंबर 5 पे है 2017 की अ डॉग्स पर्पस। ये मूवी बहुत ही हार्ट वार्मिंग एंड सोलफुल है, जहां एक डॉग खुद के लाइफ के पर्पस को समझना चाहता है मल्टीपल ओनर्स के लाइफ्स को चेंज करके। Come on, Philly, do it. What does he want from me? Get out. ये मूवी सब कुछ है जो एक एनिमल फ्रेंडली मूवी में होनी चाहिए। एंड आई एम प्रीटी मच पॉजिटिव कि ये मूवी हजारों लोगों को इंस्पायर किया होगा एक डॉग को पालने का, क्योंकि इस मूवी का इफेक्ट कुछ ऐसा ही है। नंबर 4 पे है 2006 की पॉल वॉकर स्टारर 8 बिलो। आपका फेवरेट पेट जब आपके फेवरेट मूवी जॉनर में हो, तो उसको आप चाह करके भी मिस नहीं कर सकते। एट बिलो बेसिकली एक सर्वाइवल मूवी है, जहां 8 स्लेड डॉग्स और पॉल वॉकर की दोस्ती को नेचर टेस्ट करता है। एक भयानक तूफान की वजह से पॉल वॉकर, जो कि एक साइंटिस्ट है, उसको अपना बेस छोड़ना पड़ता है, वो भी बिना अपने स्लेड डॉग्स के। लेकिन तूफानों से लड़कर पॉल और वो 8 स्लेड डॉग्स एक दूसरे की जान बचाते हैं, जिसको देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। मूवी को ऐसा प्रेजेंट किया गया है कि आप पॉल वॉकर के सर्वाइवल से ज्यादा 8 डॉग्स के सर्वाइवल के लिए प्रे करेंगे। और मैं प्रे कर रहा हूँ कि आपको ये लिस्ट अच्छी लग रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड इस चैनल पे आपको ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे, एंड आगे भी ऐसे कंटेंट्स एंड मूवी रिव्यूज आते रहेंगे, इसलिए उन वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नंबर 3 पे है 2008
2008 की द ब्यूटीफुल जेनिफर एनिस्टन एंड ओवेन विल्सन स्टारर मार्ली एंड मी। ये कॉमेडी ड्रामा मूवी ऑलमोस्ट सभी मूवीज की तरह यही प्रूव करता है कि इंसान और उनके पेट्स के बीच का रिलेशन कितना स्ट्रांग हो सकता है। मार्ली एंड मी में ये रिलेशनशिप बहुत ही सटल एंड सिंपल वे में दिखाया गया है, जहां मार्ली एक मैरिड कपल की जिंदगी बदल देती है। नंबर टू पे 2019 की अ डॉग्स जर्नी, जो इस लिस्ट की नंबर फाइव पे 2017 की मूवी अ डॉग्स पर्पस का सीक्वल है। कहते हैं ओरिजिनल हमेशा सीक्वल से बेटर होता है, लेकिन ये पर्पस पुराने जर्नी से मुझे बेटर लगा। बेली द डॉग का ये ऐसा जर्नी है जहां मल्टीपल लाइफ को वो एक मीनिंग देता है। मूवी में आप ओवरवेलमिंग इमोशंस एक्सपीरियंस करेंगे और ये सारी इमोशंस सीधा सीधा आपके दिल पे लगेगा। There's nothing in that cup. ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी एक मस्ट वॉच है सभी डॉग लवर्स के लिए। तो गाइस नंबर वन पे है एंड आई होप आप सबकी फेवरेट 2009 की रिचर्ड गियर स्टारर हाची अ डॉग्स टेल। एक प्रोफेसर और उसके पेट डॉग की ये एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इमोशनल स्टोरी आपको इस मूवी का फैन बना देगा। मूवी में हाची एक ऐसा पेट बनता है जो सभी पेट्स के लिए एक बेंचमार्क सेट कर देता है। इतना प्यार इतना अफेक्शन किसी पेट ने अपने ओनर को शायद ही दिया होगा जितना हाची ने इस मूवी में रिचर्ड गियर के कैरेक्टर को दिया है। ध्यान रहे, मूवी इतना ब्यूटीफुल इमोशनल है कि इसका असर आप पर काफी दिनों तक रहेगा, और आपका सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक मेरे ऊपर जिंदगी भर असर करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और आपको ये लिस्ट कैसा लगा मुझे लाइक या डिसलाइक कुछ भी करके हिंट जरूर दे दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि इस लिस्ट की आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।